रायबरेली कोतवाली पुलिस ने पकड़ी गौवंशों से भरी ट्रक। रात के अंधेरे में गौवंशों से भरा एक ट्रक डलमऊ की ओर से प्रयागराज की ओर जा रहा था। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने सवैया तिराहे के पास घेराबंदी कर ट्रक को कब्जे में लेते हुए गौवंशों को तस्करों से मुक्त कराकर गौशाला भेजा। वहीं गौवंश तस्करों समेत चालक को हिरासत में लेकर रिपोर्ट दर्ज की। रविवार को आधी रात के करीब तस्कर एक ट्रक में करीब 25 गौवंश भरकर डलमऊ की ओर से प्रयागराज की ओर जा रहे थे, जहां गदागंज पुलिस द्वारा इस ट्रक को रोककर तलाशी लेनी चाहिए, लेकिन ट्रक चालक ट्रक की गति बढ़ाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस द्वारा वाहन का पीछा करने के बावजूद भी पकड़ने में कामयाब नहीं हो सका, जिसके बाद गदागंज पुलिस ने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। जिसके बाद हरकत में आए कोतवाल शिवशंकर सिंह ने पुलिस टीम के साथ सवैया तिराहे पर हाईवे की घेराबंदी कर दी और पुलिस को सामने खड़ी देख ट्रक चालक घबरा गया और ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड्डे में जा गिरा। इसके बाद पुलिस ने वाहन की तलाशी ली तो उसमें गौवंश खचाखच भरे हुए थे। पुलिस ने दो गौवंश तस्करों को हिरासत में लेते हुए ट्रक का दरवाजा खुलवाया। ट्रक के पीछे का दरवाजा खुलते ही आधे गौवंश भाग गए तथा गौवंश को वाहन से बाहर निकालकर पेड़ों से बांधा गया। कोतवाल शिवशंकर सिंह ने बताया कि तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। गौवंशों से भरे एक ट्रक को पकड़ा गया है। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए ट्रक चालक वाहन छोड़कर भागने में कामयाब रहा। दो गौवंश तस्करों को पकड़ लिया गया है। संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। सभी गौवंशों को पट्टी रहस कैथवल गांव स्थित गौकर्ण ऋषि गौशाला पहुंचाया जाएगा। अंशु श्रीवास्तव, जिला क्राइम ब्यूरो चीफ, रायबरेली।